Uh, पांच उंगलियां तो बराबर नहीं होता है डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन हाउ यू मोबालाइज वादा करता हूं कि uh, उस दिन का जो अनाउंसमेंट तो भरपूर मैं फुलफिल करूंगा। इस बार मैंने अनाउंसमेंट के लिए स्टेट बजट uh, में मैं प्लेस कर दिया तो वाटी है हाई कोर्ट को आइडेंटिफाई किया था और uh, चीफ इंजीनियर जो पी दुण दुण है बोला है ही एज एस टू हैंड इट ऑफ बाई मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ऑर्टिस्टिक पर्सन बहुत रेपिडली ग्रोथ हो रहा है स्टेट में और जमीन मिलते ही मैं सेंटर से भी दरख्वास्तूं लेटर भेजूँगा कि एक ऑर्टिस्टिक पर्सन के लिए ऑर्टिज ऑर्टोज़म के लिए एक स्कूल हो या फिर इस्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते में मैं भी खुद बहुत दुख हूँ एज ए वेस्ट के होते हुए डिप्टी कमिश्नर के साथ में मीटिंग होके और स्टेक होल्डर से एश्योरेंस दिया है कि अक्टूबर तक ही खत्म करेंगे और लेट्स होप बाय अक्टूबर आलो विल गेट न्यू स्टेडियम क्योंकि हमारा ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो इससे हमारा स्टेट इस में भी एक्सटेंडेड है ये दिस इज हॉस्टल जो फैसिलिटीज नहीं होने से हम ये मेरा कार्यकाल में पाँच साल के कार्यकाल होता है तो उसी बीच में मैं जरूर कर दूंगा। नमस्कार सभी को आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में आप सभी जानते हैं हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं मुद्दे की बनाते हैं लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं और आप सब ऑलरेडी स्क्रीन में देख रहोगे हमारे साथ ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस सचेता एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के मिनिस्टर जिनी जी है जो आ, कह सकते हैं यंग एंड डायनामिक है और उन्हें कई लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जो पोस्ट या फिर पोर्टफोलियो उन्हें दिया गया है उसको लेकर तो चलिए सीधे उनसे वन ऑन वन इंटरव्यू लेते हैं और जो मुद्दे के ऊपर में हम चर्चा करने वाले हैं उनसे सीधे जानते हैं सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल जुडे न्यूज़ चैनल में एंड कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगी सर आफ्टर मिनिस्टर फर्स्ट इंटरव्यू होगा एक्सक्लूसिव तो सर हम सीधे मुद्दे में आना चाहेंगे क्योंकि आप स्पोर्ट्स एंड यूट अफेयर भी देख रहे हैं आई आई गेस सभी जानते हैं कि अरुणाचल के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं डिपार्टमेंट भी काफ़ी चीज़ कर रहे हैं लेकिन सर काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सनस है जो नेशनल लेवल में इंटरनेशनल जीत के आ जाते हैं उन्हें प्रॉपर ट्रैवलिंग का हो गया लॉजिंग का हो गया जो एक प्रॉपर इंसेंटिव भी देना चाहिए उन्हें नहीं मिलता है उसको लेकर भी काफ़ी लोग दुख जताते हैं इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अंडर योर लीडरशिप क्या क्या देखा जाएगा स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स मैं थैंक यू अरुणाचल टुडे स्पेशली रोमा मैडम ये जो अभी जो पोर्टफोलियोज हमको असाइन किया है लॉ एंड जस्टिस जो आलियर आई वॉज लॉयर एडवोकेट मैं एटीन ईयर्स लॉयर रहा एज ए सक्सेसफुल लॉयर इन द स्टेट एंड डेट ऑफ आर्थ आई है यूथ एंड इस्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स एंड न्यूथ बोलने से भी होगा हमारा स्टेट में बोलता है स्पोर्ट्स एंड न्यूथ डेली लेवल में बोलता है यूथ इन स्पोर्ट्स तो इसीलिए जो भी बोलो तो सेम ही है एंड सजेता सोशल जस्टिस ट्राइबल अफेयर्स एंड माइनॉरिटीज में हमको पोर्टफोलियो uh, जैसा किया गया कि जो आप स्पोर्ट्स को बोले तो आपको पता है आवर मोस्ट डायनेमिक एंड यंग चीफ मिनिस्टर ऑफ और अरुणाचल प्रदेश एंड ही इज़ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंटर इंडिया तो इन आप इनको उसका जज्बा को देखिए इतना यूथ इस्पेशली यूथ लोगों को बढ़ावा देते हैं तो खेल कूद में जो रूसी जिसको रखता है उसको भी उसमें एम्पाइस दे रहा है आपको पता है कि एज़ पर अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी 2017 उसमें इंसेंटिव दिया गया है फिर एग्जाम्पल जो ओलम्पिक में जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको थ्री करोड़ और ऐसे ऐसे करके उसको कैटेगराइज़ इट हैज़ बिन कैटेगराइज़ इन टू वेरियस कैटेगरीज़ तो इसमें इंसेंटिव uh, को तो तो मिल ही रहा है अभी तक और uh, मेरा ख्याल में जो एक आज कल तो थोड़ा uh, डिले uh, हो सकता है लेकिन एज एन वेन आई टुक ओवर द सर्ज ऑफ़ स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर आई हैव बिन डिस्कसिंग विद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड डी सी एम साहब ऑल्सो और हमारा जैसे हमारा डी सी एम सर मोस्ट तजुबाकार मंत्री है हमारा और फिनंस मिनिस्टर भी है प्लानिंग में भी है तो uh, मैं दोनों को भी रिक्वेस्ट किया कि इंसेंटिव जितना मिलना चाहे जल्दी मिले और यूथ को कैसे हम एंगेज रख सकता है स्टेट में आ, ओ मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि इसके लिए रख, इस इंगेज रखने के लिए भी तो पैसा होना पड़ेगा तो इसलिए इस स्पोर्ट्स का फंड को अभी एनहेंस करने के लिए मैं इस बार रिक्वेस्ट किया है तो बराबर रखने इंसेंटिव के बारे में तो मैं वही बोल रहा है कि ऑलरेडी देर इज पॉलिस ऑफ द स्टेट अरुणाचल प्रदेश जिसमें हम मेरा ख्याल में तो पैसा दे रहा है तो मैं भी इसको करने के लिए सर मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स का कई बार हम लोग देखने को मिला है कि आफ्टर ब्रिंगिंग मेडल ऑल्सो वो ट्रेन पर आ रहे हैं वो भी विदाउट टिकट ट्रॉली पे बैठ के आ रहे हैं इस तरीके के मुद्दे भी कई सोशल मीडिया में आए हैं सर और उनकी तरफ से इसे उन्होंने हाईलाइट में भी लाया था इसलिए मैंने ये सवाल रखा सर दूसरा स्पोर्ट्स अगर बात करें तो सर हंगपन दादा जो स्टेट लेवल जो चैम्पियनशिप जो होता है हर साल होता है उसको लेकर भी हमने सवाल रखा था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ होता है लास्ट ईयर जब आ, मामा नातुंग सर जो दीदेन मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स के उनको हमने जब रखा कि फंड एनहेंसमेंट को लेकर क्योंकि ये पाँच करोड़ समथिंग है जो करते हैं तो उनकी तरफ से कहा गया था कि आने वाली बार में एनहेंस किया जाएगा तो सर इस बार क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्स में हकमत दादा का जो टूर्नामेंट है वो चालू हो चुका है तो आपकी तरफ से ये देखा जाएगा कि इनहेंस किया जाए सोदे जिनों और अच्छी वे से अच्छे वे से ये जो टूर्नामेंट है उसे कंडक्ट किया जाए तो मैं आपको ये आपके माध्यम से और अरुणाचल टुडे के माध्यम से मैं और अरुणाचल के जनता को मैं बताऊँ हांग पैन दादा तो अभी तो बताने का तो नहीं है अभी सब जान गए हैं हांगपेन दांदा जो है एक्स आर्मी मैन आर्मी जो मर्टियर्स हुआ है कि उसके लिए पोस्टमस मेडल दिया गया था उसके नाम में हम ऑर्गेनाइज करते हैं ये इसको हम स्टेट इस कैलेंडर इवेंट में लगाया गया है जी। तो अभी इसमें हम लोग फाइव करोड़ हम देते हैं उसमें फाइव करोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल में तो फाइव करोड़ तो सफिशेंट होना चाहिए तो हम इसको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जरिए हम एवरी कैलेंडर इवेंट के तौर पे बनाया जाता है मेरा ओपिनियन में तो इसको तो अभी इनहेंसमेंट करने के लिए तो कोई अभी तक जिक्र नहीं किया है अगर कल को अगर इफ़ रियली इट नीड्स उसको भी हम इनहेंसमेंट कर सकते हैं जी। तो अभी अभी एज ऑफ नाउ तो कुछ अभी तक नहीं जी सर तीसरा सवाल रहेगा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ही आप क्योंकि आलो से ही है वेस्ट से ही है सर आई गेस uh, जो स्टेडियम है उस वो काफ़ी चर्चे में है हमने भी देखा ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हमने जब गए थे आलो में हमने देखा कि बिफोर एंड आफ्टर भी काफ़ी चल रहा है बिफोर में ही सुंदर था इस समय में काफ़ी पथे कंडीशन में अंडर कंस्ट्रक्शन है कम्पलीट नहीं और इसको लेकर स्पेशली जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो काफ़ी दुख है और अभी क्योंकि आप खुद संभाल रहे हैं और आप वही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर कब तक हो जाएगा क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा सर एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते मैं मैं भी खुद बहुत दुख हूँ एज ए वेस्ट के होते हुए कारण ये है कि ये जो हमारा uh, आलो का जो जनरल फील्ड हम जनरल फील्ड का नाम से उसको जाना जाता था पहले uh -huh. तो हर इवेंट को वही ऑर्गेनाइज करता था इट वॉज़ नेचुरली एक स्टेडियम जैसे ही एक फील्ड था आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल जनरल फील्ड हुआ करता था इस जमाने तो उसको अभी स्टेडियम बनाएगा बोल के आलिया ये जो उसका लोग डिसीज़न लिया है तो लेके एस पी ए का तहत उसको फंडिंग किया था लेकिन आ, उसको भी मैंने ब्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि एस पी ए बीस में डिसकन्टिन्यू कर दिया डिसकन्टीन्यू होने का वजह से हमारा जो लिपेठे में आ गया है वो आलो का स्टेडियम सिंपू का स्टेडियम एंड इसने लेकिन आलो वाला को अभी स्पेशली मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ कंसंट्रेट कर रहा हूँ कर उस दिन भी एक स्ट्राइक करने वाला था वहाँ पे बिफोर आई आई वाज अपॉइंटेड एज ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ मैं uh, आलो वाला से भी एश्योरेंस दिया है कि जल्दी ही होंगे मैं इसके लिए ऑनरेबल सी एम सर ऑनरेबल डी सी एम सर से भी बार बार लगातार संपर्क में है कल भी मैं रिप्रेजेंटेशन और स्पेशल रिक्वेशन सॉर्ट किया है कि एटलीस्ट पहले एक को पहले खत्म कर देते हैं आलो वाला को पहले करके सिंपू को करेंगे डेंटेजू को करेंगे अगर एट एट वन गो में नहीं कर पाता है तो एंड रिसेंटली दिस मॉर्निंग ऑल्सो

हाँ मैं मैं आशा करता हूँ कि वो जल्दी अक्टूबर तक ही ख़त्म करना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम वो आलो डिप्टी कमिश्नर का साथ में मीटिंग होके और स्टेक होल्डर से एश्योरेंस दिया है कि अक्टूबर तक ही ख़त्म करेंगे और लेट्स होप बाय अक्टूबर आलो विल गेट न्यू स्टेडियम एंड फिर से दौड़ेंगे खेल कूद करेंगे आलो वाले mm. और सर स्टेडियम की बात करें तो आई गेस जो यू स्टेडियम है उसके बाद पासीघाट स्टेडियम है वो भी काफ़ी चर्चे में है अगर बात करें सर यू पिया पापूमपारे डिस्ट्रिक्ट की और पासीघाट के हमने दोनों पे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी हमने देखा है वहाँ पे सर नो no डाउट बाहर से देखने को काफ़ी खूबसूरत है सर लेकिन काफ़ी कम समय में वाटर लीकेज होना शुरू हो गया क्रैक्स आना चालू हो गया सर इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा आपके बिहार में मैं आपको बताऊं कि यूपीए वाला स्टेडियम जो बहुत पहले सेंक्शन हो हुआ था, और उसको बनाते वक्त फी फाइल करके केशस करके बहुत साल रोक के पड़ा हुआ था लेकिन ये हमारा सीएम सर आते ही उसको री इनिशिएटिव लेते हुए कंप्लीट किया है उसके बहुत गैप होने की वजह से कुछ तोरा लीक हुआ होगा लेकिन रिसेंटली हमारा संतोष ट्रॉफी इंडिया के एक माना जाना फुटबॉल टूर्नामेंट में मानता है फुटबॉल ट्रे में इसमें भी खेला गया था तो ऑल आउटसाइड इंडिया से और सॉरी स्टेट से जो आने वाला लोग भी काफ़ी सराहना करके गया है अच्छा स्टेडियम है और मैं हाल ही में भी ओलंपिक uh, ऑर्गेनाइज uh, uh, किया गया था हमारा अरुणाचल ओलंपिक दिवस मनाया गया था उसमें uh, मैंने भी खुद खेला है तो हमको तो उसमें कोई डिफेक्टिव नहीं लगा अच्छा ही लगा जहा था रूप लिकिंग को तो वो तो वो बड़ा इशू नहीं है वो तो जल्द ही उसको बना बनाए देंगे और हम हमने ऑफिसर लोगों से भी क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है ऑलरेडी आई हैव इंस्ट्रक्टेड ऑल सबनेट ऑफिसर्स डायरेक्टर सेक्रेटरी से बोला है कि ये यूपीआई वाला जो स्टेडियम uh, है हमारा स्टेट के स्टेट का बड़ा एसेट है तो एवरी टाइम वो समक के रहना चाहिए बोल के मैंने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दिया है और पासीघाट वाला का एक इशू था पहले पासीघाट में तोरा बनाने का बाद वाटर लॉगिंग तरह होता होता था वाटर लॉगिंग होने का वजह से मणिपुरी वुमेन फुटबॉल ऑर्गेनाइज आयोजित जी। किया जी। गया था वो पिछले दो साल पहले तो उसमें भी तर तकलीफ होने का वजह से स्टेट प्रॉम्प्टली एक्शन लिया है और उसको आ, जो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है मेरा ख्याल से मेरा जहाँ से समझता हूँ कि वो आप पासिग में भी अभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी तो सर जो थोड़ा बहुत बचा है उसे आप देखेंगे आपके रहे? आ, मैं, मैं जरूर देखूंगा उसको जी. और सर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का भी का एक, एक उस, मेरे तरफ से आखिरी सवाल रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर संगे लेडन अभी लोता एक सेकंड फर्स्ट है दूसरा जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में म्याओ में चल रहा है 2019 के इलेक्शन के पहले उसे इनोग्रेशन किया गया था अभी चल रहा है सर उसका भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की अभी हम देख रहे हैं कि सर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चा, बनना चालू हो चुका है काफ़ी अच्छी तरीके से लेकिन सर फंड का रिलीज़ होना ज़रूरी रहेगा क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो डिपार्टमेंट उनकी तरफ से जो प्लेस किया गया था अराउंड हंड्रेड करोड़ समथिंग का है तो उसको लेकर सब कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा क्योंकि बच्चे अभी भी वहाँ में जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर वो रेंटेड हॉस्टल में रह रहे हैं तो इसको लेकर सब कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा सर देखिए आप मेो वाला तो अभी फर्स्ट बैच ऑलरेडी हुआ था अभी सेकेंड बैच पढ़ रहा है सेकेंड बैच वाला तो उसमें फाइव uh, डिनोमिनेशन uh, में है वो इवेंट्स में पढ़ रहा है तो uh, अभी मैं यही बोलूँगा कि हॉस्टल uh, जो फैसिलिटीज नहीं होने से हम ये मेरा कार्यकाल में पाँच साल के कार्यकाल होता है तो उसी की बीच में मैं ज़रूर कर दूंगा क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बगैर हमारा अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है तो इसीलिए वी शुड हैव गुड हॉस्टल फैसिलिटीज एंड इफ देयर इज़ नो हॉस्टल फैसिलिटीज सर्टेनली आई विल कंस्ट्रक्ट एन हॉस्टल देयर अभी जैसे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है आई पंद्रह करोड़ ऑलरेडी uh, hmm. रिलीज सेंक्शन करके काम चल रहा है सर जैसे हॉस्टल के लिए आपने बताया सर वहाँ पर कोचेज भी रहेगा टीचर्स जो रहता है उसके लिए भी आप लुकआफल देखेंगे सर आप मैं देखूंगा जी सर ये तो था रिगार्डिंग स्पोर्ट्स से हम आपसे जानना चाहते थे सर आप सचिता डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं हाल ही में ही आपने एक प्रेस ब्रीफिंग रखा था रिगार्डिंग पेंशन को लेकर अनहेंसमेंट को लेकर जो अभी एनहेंसमेंट होना बाकी है लेकिन ड्यूरिंग आपकी ब्रीफिंग में काफ़ी जो पेंशन जैसे ओल्ड एज वाले वीडो वाले इवन जो दिव्यांगजन वाले उनकी तरफ से भी आ रहा था एक और इन्हैंसमेंट को लेकर वो काफ़ी खुश थे लेकिन उनकी तरफ से और एक दुख जताया जा रहा था कि कोई भी मिनिस्टर आता है वो वही कहता है कि टाइमली मिल जाएगा मिल जाएगा

पांच उंगलियां तो बराबर नहीं होता है डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन हाउ यू मोबलाइज तो मैं आशा करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि उस दिन का जो अनाउंसमेंट तो भरपूर मैं पुलपिल करूँगा और आपको इस आपके माध्यम से मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि इस बार मैंने अनाउंसमेंट के लिए स्टेट बजट में मैं प्लेस कर दिया है और मैं आई आई होप इस बार भी अनाउंसमेंट वाला अप्रूव करके आना चाहिए और आए तो मैं जल्दी ही उसको भी और दे दूँगा और सर और एक मुद्दा है जो मैंने आपको थ्रू टेलीफोनिक ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया था अरुणाचल प्रदेश में सर आफ्टर थर्टी इयर्स अबब हो चुका है स्टेट हुडे मिला स्टेट हुड मिला वाला लेकिन अभी तक अरुणाचल में जो ऑटिज्म डाउन सिंड्रोम जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के जो बच्चे हैं उनके लिए सर डे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो छोड़ दीजिए सर डे केयर तक भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियेटिव नहीं लिया गया जो सच्चता की तरफ से इनिशेटिव नहीं लिया गया कह सकते प्राइवेट है लेकिन सर आप जानते हैं कि हर कोई इतना प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर क्योंकि हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं वो स्टोरी भी तो एज अ सजिता मिनिस्टर आपके कार्यकाल में ऐसा कुछ इनिशिएटिव आप लेके आएंगे ताकि जितने भी जो बच्चे हैं स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ज़्यादा यू नो अवेयरनेस भी मिले और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिले इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर डेई uh, सेंटर मैं आपको बताऊं कि ऑटिज्म जो है ऑटिस्टिक जो जिसको बोलता है ओटिज़म अभी देख, देखने को मिल रहा है कि ऑटिज्म पहले से ही ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है जिसमें स्पेशली ऑटिज्म को तो हमारा और अरुणाचल कंटेक्स में पहले जाना नहीं जानता था अभी होते होते देखा गया है कि ऑटिस्टिक पर्सन बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रहा है स्टेट में और मैं एज ए मंत्री सजेता मैं इसका ऊपर बहुत कंसर्न ले रहा हूँ मैं अभी इसके तो ये जो ऑटिज्म के लिए जो यानी कि ऑटिस्टिक पर्सनस के लिए इंस्टीट्यूशन रन करना ये आसान आसान नहीं है ये जो है आपको देखे इसमें आपको स्कूल कॉल दिया तो चल जाएगा ऐसे नहीं आपको एक्सपर्ट डेवलपमेंटल ग्रोथ को देखने वाला और इसका क्या है कितना रेटिंग है उसको पकड़ने वाला जो एक्सपर्ट अपॉइंट करना पड़ेगा उसको और जनरल क्लास टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा इसीलिए गवर्नमेंट तो थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन मैं आपको आपका माध्यम से बताऊं कि हमारा स्टेट भी ट्राई कर रहा है कि वे आर ट्राइंग टू लोकेट द लैंड अप्रोप्रेट लैंड विद कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसीलिए ढूंढ रहा है कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स के आसपास ढूंढ रहा है कि क्योंकि ऑटिस्टिक पर्सन को हॉस्टल फैसिलिटीज दे तो भी वो तकलीफ वाला चीज़ है हॉस्टल भी नहीं रख सकता उसको घर से आना जाना करना पड़ेगा तो इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इट शुड बी विदिन देरी फेरी ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स और जमीन मिलते ही मैं सेंटर से भी दरख्वास्त मैं लेटर भेजूंगा कि एक ऑटिस्टिक पर्सन के लिए ऑटिज्म ऑटिज्म के लिए एक स्कूल हो यहाँ पे और जल्दी हमारा जो ऑटिस्टिक पर्सन स्पेशली मैं आपको बताऊँ मैं इसके लिए मैं करीब से देखा है मैंने और आई हैव ऑल्सो स्टडीड इन टू इट टू सम लेवल इसमें यह है कि जो जिसका वेल ऑफ बाला फैमिली से ऑटिस्टिक हो जाता है तो उन लोग मैनेज कर पाता है लेकिन गरीब वाला एक दो महीना करके छोड़ना पड़ जाता है ऐसे के okay? क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो आपको बोर्डिंग में देना पड़ेगा टीचर के लो, और इसीलिए गाड़ी अपना गाड़ी लिफ्ट करना पड़ेगा और फैमिली से सपोज मेरा आलो में उसका हस्बैंड वहाँ बैठ रहा है तो माँ यहाँ बैठ के एज ए डे स्कॉलर भेजना पड़ेगा तो आलो वाला घर को भी मेंटेन करना पड़ेगा वाला मेंटेन करना पड़ेगा तो उसी में गरीब लोग नहीं तो इसीलिए ये आई फील के लिए एक स्कूल होना बहुत बहुत जरूरी है हमें भी आई पर्सनली फील इट और जगह मिलते ही हम लोग उसको जल्द ही करवा देंगे एंड आई गेस आपका जो एक जो आपने अभी रिस्पॉन्स किया है जितने भी दर्शक स्पेशली जो स्पेशल चाइल्ड के जो पेरेंट्स है वो काफी खुश होंगे जो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं और आप इतने कंसर्न आपने स्टडी किया बता रहे हैं और आप ऑलरेडी लेन ज़मीन देख रहे हो काफ़ी uh, काबिल तारीफ़ है सर आप विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आपने ये चीज़ को भी नेड्यूल है उसके लिए भी हम ऑन बिहाफ ऑफ बिहावि पेरेंट्स थैंक यू कहना चाहेंगे और सर दूसरा सवाल सचिता से uh, का रहेगा सर अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से सर ऑटिज़म का स्कूल्स नहीं है ऑटिज़म बच्चे के लिए उसी तरीके से जो हियरिंग एंड विजुअल इम्पेक्ट के एक ही स्कूल है जो दोनी पोलो uh, की तरफ से रन किया जाता है एक एन जी ओ की तरफ से रन किया जाता है जिससे सचिता फंडिंग करती है नो no डाउट उन्हें uh, कॉर्पस फंड दिया गया है और uh, ग्रानी एड दिया जाता है हर साल लेकिन सर वो uh, दिन ब दिन uh, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं वहाँ पे फंड नहीं जुड़ रहा उसको लेकर भी हमने सीएम एम खांडू को भी सवाल रखा था तो उन्होंने कहा था कि वो बात करेंगे और जब हमने सेक्रेटरी सचिता से इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया था कि वो रोड मैप बना रहे तो सर इसको लेकर कुछ सचिता डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएटिव दिया जाएगा क्योंकि ये भी सर एक लोता स्कूल है पूरे अरुणाचल प्रदेश में जो विजुअली एम्पेड एंड ये yeah, uh, आपको मैं आपका माध्यम से बोलो कि, कि फिजिकली चैलेंज तो जो बच्चा है ये जो हियरिंग इम्पेयर्ड और बिजली इम्पेयर्ड जो है ये, इन इनके लिए हमारा अभी अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो नहीं है ये जो जो रन कर रहा है द्वनजी पोलो ट्रस्ट या द्वन पोलो वाला ही इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक गवर्नमेंट का एक, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देने का भी एक लिमिटेशन है हंड्रेड परसेंट तो हम उसको जितना चाहे वो सब फंडिंग तो प्राइवेट में तो हम लोग नहीं कर पा रहे लेकिन इफ पॉसिबल हम लोग कल को अगर होता है तो अभी हम लोग गवर्नमेंट तरफ से और रान होने से बहुत अच्छा होना है मेरा व्यू है पर्सनल व्यू होगा क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एक लिमिटेशन हेल्प करने का भी गवर्नमेंट का भी एक लिमिटेशन है तो अदरवाइज़ अगर काश गवर्नमेंट रन होता तो मेरे ख्याल में वो और अच्छा होता फिर भी एनेसमेंट का बात तो अभी हम जिक्र नहीं किया है लेकिन अभी जितना देना है हम हियरिंग एम्पेट डोनी पोलो वाला को भी हम पांड मुहैया करा रहे हैं और आ, सर तीसरा सवाल रहेगा सर आई गेस आप भी अवेयर है कि इस बार जनरल इलेक्शन में थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन एंड ट्रांसमैन के द्वारा भी वोट कास्ट किया गया है सर अरुणाचल में ऑलरेडी है और ऐसे कुछ कम्युनिटी है जो क्यूर कम्युनिटी के लोगों के लिए वो काम कर रहे अवेयरनेस ला रहे क्योंकि कई कई लोगों का मिसकनसप्शन है सर क्योंकि यहाँ पे थर, थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर लोग भी हैं लेकिन हमें बताया गया है और हमने रिसर्च किया हमें पता चला है कि यहाँ पर सेंट्रल से फ़ंड नहीं आता है ना ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से थर्ड जेंडर के लोगों के लिए कुछ फंडिंग वगैरह महैया फैसिलिटीज़ अवेल किया जा रहा है सर इसको लेकर कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोग हैं जिन्हें फैसिलिटीज जरूरी है सर देखिए मैं आपके माध्यम से और मैं बतलाना चाहूँगा दर्शकों को कि क्योंकि हमारा ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो इससे इस इस इससे हमारा स्टेट इस में भी एक्सटेंडेड है ये दिस इज बेसिंग ऑन दिस एक्ट ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन के जरिए हम आ, बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया है गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश कि हमारा डायरेक्टर ऑलरेडी नोटिफाई किया है कि बोर्ड जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए हम उसको जरूर हम फैसिलिटेट करेंगे और लेकिन ट्रांसजेंडर वाला भी अप्रोच करना पड़ेगा ए पी तो ये लोग भी आना चाहिए और जो रिक्वायर्ड पर्सन आना चाहिए आने से हम लोग जरूर करेंगे आपको तो पता है Uh, mm -hmm. जो प्यासा तो कुआ में जाना कुआ में जाके ही पीना पड़ेगा कुआ तो mm -hmm. प्यासा, प्यासा, प्यासा के पास आते, आते नहीं है तो इसी इसी प्रकार तो दे शुड कम एंड दे शुड अप्रोच फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रवानसेस सो दैट वी कैन डू समथिंग सटेली विल ट्राई टू हेल्प देम व्हाटएवर एवर दे प्लेस बिफोर अस एंड आई गेस जितने भी क्यू आर कम्यूनिटी के ट्रांसजेंडर लोग देख रहे हैं सर की तरफ से अभी इनिशियली फर्स्ट टाइम मैं सर का इंटरव्यू ले रही हूँ और जब जो भी क्वेश्चन लग sir सर काफ़ी अच्छी तरीके से एंड वेरी पॉजिटिव वे से सर आंसर दे रहे हैं और सर ने सीधे तौर से कहा है कि आपके ओर से भी इनिशिएटिव जिसको जैसे कहा सर ने सही कहा कि कुआँ प्यासे के पास नहीं जा सकता प्यासे को कुआँ के पास आना होगा वो काफ़ी सही ने सर सर ने सही बात कहा सर और uh, सवाल रहेगा रिगार्डिंग uh, क्योंकि ये सच्चे डिपार्टमेंट था सर आप फॉर्मर एडवाइज़र लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी थे स्टेट के आपके प्रेजेंस में ही किरण रिजिजू जब फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे कई बिल्डिंग्स का सर आपने स्टोन ले, स्टो, ले, स्टो, फाउंडेशन लेस डाउन किया था उसका भी सर अभी तक अपडेट किया है कुछ खबर नहीं लोगों का सवाल आ रहा है हाई कोर्ट का इवन सर जो जजेस का जो बिल्डिंग्स कोर्ट्स बिल्डिंग हो उसका क्या अपडेट है सर जैसे बेसिकली अगर बात करें हम खौन साहब का भी हुआ था सर बोमदिला का नामसाई सेक्रेटरी गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आई मेरे टिपाक की बात है जब वेन आई कंटेस्टेड जनरल सेक्रेटरी गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उसमें भी हमको निर्विरोध uh, उठाया गया था कोई जब मैं कॉन्टेस्ट किया तो बोला है कि जिन्हें सर उठ रहा है तो हम लोग कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे इसको ही बनने देंगे तो आ, मैं प्रूव करके भी दिखाया था उस समय कि एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं आई हैव रेज स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल एडवोकेट्स इन गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उसके बाद मैं मेरे समय में ही तो गुवाहाटी हाईकोर्ट को हम आइडेंटिफाइड किया था तो अभी तब से गुवाहाटी हाई कोर्ट बन रहा है तो आई एम टोल्ड इस उस दिन भी मैं स्पेशली चीफ इंजीनियर जो पीडब्ल्यूडी है जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी मैं उसको बुलाया मेरे चैम्बर में आई हैव रिक्वेस्टेड क्या हो रहा है स्टेटस पूछने के लिए बोला है ही एज ए टू हैंड इट ओवर बाय मार्च 2025 हैंड ओवर करने के लिए वो बोला है और मैं आपको बताऊं कि स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए व स्पेशली जो पढ़ने, पढ़ने सिंह के लिए और सब इंस्टॉलमेंट को ले इंस्टॉलेशन को लेके 79 करोड़ का भी उन लोग इस्टिमेट सब्मिट किया है तो उसको मैं गवर्नमेंट में प्लेस कर दिया है तो आशा करता हूँ कि वो अप्रूव करके आए आते ही हमारा आ, गुवाहाटी ईटानगर परमानेंट बेंच जो हाई कोर्ट जो है एक वेस्ट हाई कोर्ट बन के आने का आशंका है और liye, हमारा जब किरन रिजिजू सर लॉ मिनिस्टर थे मैं खुद ऑफिसर तो को लेके दिल्ली गए थे एज एडवाइजर लॉ एंड जस्टिस ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ तो उस समय भी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंटर और नसर के लिए बना कर के लेके गया था सी एम सर हमारा किरण सर भी शूट किया था और कुछ हद तक अमाउंट भी रिलीज किए थे तो उसमें लेकिन उसमें आ, सेंटर में चेंजेस होने का वजह से हमारा किरण सर को आ, नहीं रहा तो फिर भी किरण सर का शॉर्ट पीरियड में जो करना था किरण सर बहुत अच्छे से कर दिया था जी। उसमें आ, हमारा आलो भी इंक्लूड है आलो को बताऊं कि आलो वाला तो थोड़ा लैंड इशू लेके कुछ प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन अब भी टेंडर करके हमारा ऑलमोस्ट आलो वाला थर्टी परसेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसको भी मैं आई एम टेकिंग केयर ऑफ आलो और जो जो डिस्ट्रिक्ट से, एंड सेशन बिल्डिंग होगा आप जो कौनसा वाला है और इस्पेशली नमसाई है नमसाई में भी अच्छा बन रहा है और जीरो में भी जीरो में भी अभी टेंडर होके शुरू होने जा रहा है मेरा ख्याल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ बनाना है बनाएंगे हम ऑलरेडी आपको मैं बताऊँ आपका माध्यम से आउट uh, ऑफ 27 हमारा डिस्ट्रिक्ट 27 डिस्ट्रिक्ट है mm -hmm. लेकिन हमारा आउट ऑफ 27 डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली 27 हुआ mm -hmm. uh, उससे पहले हमारा 25 20, 25 ट्वेंटी ट्वेंटी डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ डेट एट सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट्स बिल्डिंग ख़त्म हुआ है बनके तैयार होकर रन कर रहा है और मैं हाल ही में दिल्ली जस्ट आफ्टर अपॉइंटमेंट एज ए लॉ मिनिस्टर आई एडमिन टू डेली मैं हमारा लॉ मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर लॉ को भी हम मिला है तो मैं अपराइज आई हैव एफराइज हिम अबाउट द कंडीशन ऑफ आवर जुडिशल सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश और मेरा होते हुए मैं को ये सोचता हूँ कि जुडिशल सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश को मैं न्यू हाइट में ले जाने के लिए सोचता हूँ और लॉयर लोग भी काफ़ी खुश हैं और इस बार लॉयर सब आके रिप्रेजेंटेड किया है और मैं सोचता हूँ कि हमारा स्टेट में जुडिशल ऑफिसर्स लोगों का भी रहने रहने का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है तो उसको भी मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज इम्प्रूवमेंट कराने के लिए सोचता हूँ सर काफ़ी कम समय में आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी सर सर दो अभी जो मैं नेक्स्ट सवाल पूछने वाली हूँ आपके डिपार्टमेंट का नहीं है लेकिन कहीं कही ना कहीं आप लॉयर हैं तो आप समझ पाएंगे होंगे सर आई गेस आपको पता होगा कि अरुणाचल पे एक ही आ, लो, लो कॉलेज है जारबम गामलिंग स्टेट लो कॉलेज जो खुला है जोते पे सर उसको लेकर भी सिंस टू थाउजेंड नाइनटीन सर हम फॉलोअप कर रहे हैं सर वहाँ पर अब सी को हमने भी हाईलाइट किया था कि सर लाइब्रेरी है इना बुक्स नहीं है कंप्यूटर रूम है कंप्यूटर नहीं है प्रॉपर जो बस का भी ये सब वगैरह जो एक प्रोप मतलब एक स्टूडेंट को जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए सर वो सब नहीं है अभी भी सर जो हमें बारम्बार जो ज्योति कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा मैसेज के थ्रू हमें इन्फॉर्म किया जाता है सर लेकिन कोई आंसर देने के लिए रेडी नहीं है इसको लेकर भी सर क्योंकि आप खुद लॉयर है अभी भी कि अगर बोला जाए मिनिस्टर के साथ और लो इन जस्टिस भी आप देख रहे हैं तो सर हम दो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है लेकिन आपकी तरफ से कुछ जितने भी लो स्टूडेंट हैं उसके लिए आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे या फिर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से आप चर्चा करेंगे सर वो तो ठीक है लेकिन दिस लॉ लॉ कॉलेज इज नॉट माय सब्जेक्ट इट इज़ एजुकेशन मिनिस्टर सब्जेक्ट आई डोंट वांट टू एनक्रोज अपन अदर सब्जेक्ट बी डेट एज इट मे आई फील डेट सिंस वो हैव ओनली स्टेट ऑन लॉ कॉलेज ओनली लॉ कॉलेज सो उसको अच्छा से रखना चाहिए और लाइब्रेरी तो होना बहुत अच्छा जरूरी है क्योंकि एज ए लॉ लॉ स्टूडेंट मे बी देखा है लाइब्रेरी तो अच्छा बुक अब सब स्टूडेंट uh, लोग अच्छा अच्छा बुक कर, नहीं कर सकता है तो इसीलिए लाइब्रेरी को तो अच्छा फुलफिल रख देना चाहिए मेरे तरफ से भी मैं हमारा लॉ एजुकेशन मंत्री को रिक्वेस्ट uh, करूँगा कि वो बुक जो भी जरूरी है वो मुहैया करा दे और स्टूडेंट uh, को भी अगर ये होने से क्योंकि uh, मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट भी थोड़ा अप्रोच करना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर को कि हेल्प करने के लिए ज़रूर अप्रोच करेंगे तो मेरे ख्याल में एजुकेशन uh, मंत्री भी ज़रूर हेल्प करेंगे क्योंकि ये तो एक हमारा स्टेट का इडिन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में वो भी uh, हमारा लॉ इंस्टीट्यूशन है स्टूडेंट पढ़ने के लिए क्योंकि अच्छा से पढ़ के निकालने से ही अच्छा लॉयर बन पाएंगे इसीलिए ये लोगों के लिए भी मैं चिंतित हूँ और अच्छे से पढ़े लड़का को भी मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि अच्छे से पढ़ के अच्छा आदमी बने अच्छा सिटीजन बने जी. और सर आखिर में ज़्यादा स... जो जितना आपका डिपार्टमेंट है हमने पूरा कवर करने की कोशिश की आंसर इसे हम फॉलोअप भी करेंगे क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें कही है तो हम फॉलोअप करेंगे और साथ ही साथ सर जाते जाते क्योंकि आपका काफ़ी सारा डिपार्टमेंट है लेकिन जितने भी जनता देख रहे स्पेशली अरुणाचल के लोगों के लिए फर्स्ट टाइम वन ऑन वन इंटरव्यू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम ले रहे हैं तो आपके थ्रू से आपकी तरफ से मैसेज या फिर कुछ अपील रहेगा सर लोगों के लिए मैं तो एज ए स्पेशली आपके माध्यम से मैं जो सोशल जस्टिस वाला पेंशन विदो पेंशन हो डिसेबिलिटीज पेंशन है आ, वो सब बेनिफिशरी को हमारे जो लिशनर है उसको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा बेनिफिशरी लाभार्थियों को मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप आ, अपना राइट को भी जाने और आपको जो भी पेपर क्लियर uh, करना है जो भी अथॉरिटी uh, इंस्ट्रक्ट करते हैं आप उसको भी uh, पूरा फुलफिल करें खुद फुलफिल नहीं करके आप uh, uh, किसी को डिपार्टमेंट को दोष नहीं देना चाहिए और प्लस एज ए यूथ uh, मंत्री स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर आई अपील ऑल यूथ्स ऑफ द स्टेट आप uh, अच्छे से पढ़े सिंसियरली पढ़े और आप uh, आ, ये बिल्कुल कोशिश नहीं करना चाहिए कि ये ड्रग हमारा सोसाइटी को कील कर रहा है तो आप ये क्या चीज़ है जानने के लिए कोशिश भी नहीं करना चाहिए टेस्ट करने के बाद उसमें अटिक हो जाता है इसीलिए उससे दूर बनाए रहे खेल कूद में रुचि रखें हम इससे जो भी करना है खेल कूद को आगे बढ़ाने के लिए पूरे भरपूर कोशिश कर रहे हैं थैंक यू सर आखिर में वन सेकेंड थैंक यू सो मच एंड सर की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जो भी सवाल रखा उन्होंने फटाक से जवाब जवाब दे दिया एंड आई गेस जिस हिसाब से उन्होंने जवाब दिया उसी हिसाब से वो काम भी करेंगे क्योंकि फर्स्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था तो हम फॉलोअप करेंगे एंड वन अगेन सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर थैंक यू मैं याद रखूँ